भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और मुकाबला रद्द हो गया। इसके बाद मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कई युवा खिलाड़ियों पर बातचीत की और उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत को लेकर भी बड़ी बात कही। आपको बता दें कि कप्तान ऋषभ पंत का बल्ला पूरी सीरीज के दौरान खामोश रहा और उन्होंने 5 मैचों में केवल 58 रन बनाए। इसके अलावा उनकी कप्तानी पर भी कई बड़े सवाल किए गए। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने तमाम बड़े सवालों को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर जवाब दिया। बता दें कि कोच राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत को लेकर कहा कि भारतीय टीम की तमाम योजनाओं में भविष्य के लिए ऋषभ पंत अभी भी हमारे जहन में हैं, हमारी योजनाओं में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीरीज़ में भले ही उन्होंने बल्ले से योगदान ना दिया हो, लेकिन ना वह टीम के साथ बने रहेंगे। साथ ही कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि एक सीरीज़ या फिर कुछ मैच के आधार पर उनकी कप्तानी को नहीं आंका जा सकता है और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा आलोचना भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ हमें कुछ रन और बनाने होंगे जहाँ हम रन बनाने से चूके हैं। बीच के ओवर्स में हमें ज़्यादा बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा द्रविड़ ने IPL को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने हाल ही में IPL में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट करीब 150 के आसपास का रहा, लेकिन उनकी एवरेज कम रही और इसको लेकर उन्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हाँ गलतियाँ होती रहती हैं। पंत हमारे प्लान का अहम हिस्सा है और वह हमेशा ही हमारे बीच योजनाओं में बने रहेंगे। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं जो कि टीम के लिए एक मजबूती है और साथ ही वह बीच के ओवर्स में आकर के बड़े हिट्स लगा सकते हैं। साफ तरीके से राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप टीम को लेकर पूरी तरीके से योजना को साफ किया और बताया कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ टीम 1 जुलाई से बचा हुआ एक टेस्ट मैच और ODI और T20 सीरीज खेलेगी। आपकी क्या राय है राहुल द्रविड़ के इन विचारों को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।